एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड दिस इज सीए स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन जीटीए रूल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। लेट्स सी। Changes about GST on GTA। तो GTA का मीनिंग क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022 से जो GTA को लेके जो भी रूल्स चेंज हो रही है उसको हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 सेंट्रल टैक्स रेट की, डेटेड 13 जुलाई 2022 को। 13 जुलाई को बहुत सारे नोटिफिकेशन आई हैं, लेकिन जिसमें से 3 नोटिफिकेशंस जो आई हैं वो जीटीए के साथ रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम जो जीटीए की नोटिफिकेशंस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से कहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं। तो 3, 4 और 5 3 नोटिफिकेशंस हैं जो जीटीए के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 को। जो 4th नोटिफिकेशन है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है अगेंस्ट सीरियल नंबर 21 क्लोजेस बी एंड सी शेल बी अमिटेड। तो 21 का जो बी और सी क्लोज को अमिट किया है। अब उन्होंने जो 21 सीरियल नंबर 21 जो इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया है तो वो उसको हम रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वो 21 उन्होंने कहाँ से लिया है। इसको चेक करने के लिए पहले आप देखोगे कौन से नोटिफिकेशन का उन्होंने पॉइंट नंबर 21 लिया है जिसका बी और सी उन्होंने अमिट किया है। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, डेटेड 28 जून 2017। 28 जून 2017 में एक नोटिफिकेशन आई थी 12 नंबर की नोटिफिकेशन, जिसके अंदर 21 नंबर हेडिंग जो थी वो जीटीए के साथ रिलेटेड थी। इसको हम देखते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरियज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बी, जो बी और सी ओमिट किए हैं अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या था। बी में क्या बोल रहे हैं, goods where consideration charge for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed 1500 rupees। अगर एक single consignment की 1500 मींस 1500 रुपीज की अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही है कंसाइनमेंट की तो उसको एग्जम्प्ट किया हुआ था जीएसटी में। और सेकेंड एग्जम्पशन क्या थी, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी। अगर सिंगल कंसाइनी है तो डज नॉट एक्सीड रुपीज 750 रुपीज। तो ये 2 एग्जम्पशन थी जीटीए को एग्जम्पशन क्या थी जीएसटी के अंदर। ये 2 एग्जम्पशन थी कि अगर आपकी सिंगल कंसाइनमेंट की कॉस्ट जो है वो 1500 रुपीज है और अगर सिंगल कंसाइनी की कॉस्ट जो है वो 750 रुपीज है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो नोटिफिकेशन नंबर 4 उन्होंने दी है उस नोटिफिकेशन के थ्रू ये जो बी और सी को उन्होंने अमिट कर दिया। मींस बी और सी की जो एग्जम्पशन थी, पहले क्या था कि अगर 1500 रुपए तक की एक कंसाइनमेंट है या फिर एक कंसाइनी को जो चार्ज किया जाता था 750 रुपीज उसकी एग्जम्पशन थी। तो ये एग्जम्पशन जो है वो भी उन्होंने खत्म कर दी है। तो डैट मीन्स क्या है, अब सारा का सारा जीटीए जो भी रहेगा वो सब टैक्सेबल कर दिया है। सिर्फ कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन के रिलेटिंग अगर कोई होगा, ऑर्गेनिक मेन्योर होगा, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो इनका रिलेटेड थोड़ी सी एग्जम्पशन रह गई। अदरवाइज सारा का सारा जीटीए जो है उन्होंने टैक्सेबल कर दिया। अब हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के ऊपर बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 3/2022, ये भी सेम डेट को आई है, 13 जुलाई 2022 को। अब जो नोटिफिकेशन नंबर 3 है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जीटीए के लिए रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज है। एग्जिस्टिंग के अंदर क्या रहता था कि अगर आरसीएम है तो आपको 5% पे करना है। 5% मीन्स 2.5 प्लस 2.5 अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी और अगर आईजीएसटी है तो 5%। अगर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है तो 12% या 6 प्लस 6 या 12% आपको पे करना होता था वहां पे। अब उन्होंने क्या किया नोटिफिकेशन नंबर 3 के अंदर, उन्होंने क्या किया, अगर तो आरसीएम है तो आरसीएम के अंदर अभी भी एग्जिस्टिंग 5% था तो अगेन नोटिफिकेशन के बाद भी उन्होंने कोई चेंज नहीं लाया, उसके अंदर वही 5% ही है। लेकिन अगर वो जीटीए जो है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है तो फॉरवर्ड चार्ज में पहले सिर्फ हमारे पास क्या थी, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पे 12% उसको पे करना था, 6 प्लस 6 और 12%। उसके अंदर भी उन्होंने दो ऑप्शंस दे दिए हैं 2.5 + 2.5 या तो 5% और 6 + 6 या फिर 12%। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, अगर आप आईटीसी उसका लेना नहीं चाहते हो तो उस केस में उन्होंने बोल दिया कि आप अपना 5% जो है वो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप उसका आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में आपको इतना टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, 12% करना पड़ेगा। मींस फॉरवर्ड चार्ज के अंदर उन्होंने दो कैटेगरीज कर दी, 5% और 12%। 5% उन्होंने कर दिया कि अगर आपको आईटीसी नहीं लेना है तो आप 5% चार्ज करेंगे, और 12% कर दिया उन्होंने अगर आपको आईटीसी लेना है तो आप 12% वहां पे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीटी के ऊपर लगाएंगे। अब एक और कंडीशन उन्होंने साथ में क्या बोला है कि अगर आप 12% लेते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको आईटीसी क्लेम करना है, the option by GT to itself pay GST on the services supplied by it during a financial year shall be exercised by making declaration in an Excel 5 on or before the 15th March of the preceding financial year। मीन्स नेक्स्ट ईयर के अंदर आप जीटी के अंदर कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हो, 5% वाली या 12% वाली, जो भी आप लेना चाहते हो आपको नेक्स्ट 5 के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, 15 मार्च तक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस साल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो इस साल के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि ये वाली जो डिक्लेरेशन आपको फॉर्म 5 में देनी है कब तक देनी है, 16 अगस्त 2022 को आपको देनी है। अदरवाइज आपको हर ईयर के लिए क्या करना है, 15 मार्च तक आपको देनी है डिक्लेरेशन की आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। लेकिन एक और पॉइंट है इसके अंदर, अगर आपने एक बार डिक्लेरेशन दे दिया, लेटेस्ट सपोज आपने फॉरवर्ड चार्ज में आना चाहते हो, आपने एक बार डिक्लेरेशन दे दी कि आप 5% वाले में आना चाहते हो या फिर आप 12% वाले में आना चाहते हो, तो होल ईयर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने डिक्लेरेशन सबमिट कर दी तो वहां पे चेंज करने की ऑप्शन कोई नहीं है, आपको पूरा साल वही ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप वो चेंजेस कब कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर के अंदर ही कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, provided further that invoice for the supply of service charging central tax at the rates applicable to clause B may be issued during the period from 18 July 2022 to 16 August 2022 before exercising the option for the financial year, but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16 August 2022। तो उसने वही बोला है कि आपको 16 अगस्त तक अपने डिक्लेरेशन जो है वो देनी ही देनी है, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने एक और चेंज की है, जो भी सर्विसेज आप देखते हो कि आरसीएम के अंदर आती है, अब जैसे जीटी के ऊपर आपको पता है कि आरसीएम भी एप्लीकेबल है और फॉरवर्ड चार्ज भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर कोई जीटी के रिलेटिंग कोई भी बिल आता है तो आप उसके ऊपर कैसे करते हो, आप देखते हो कि अगर ट्रांसपोर्टर ने उसके ऊपर जीएसटी नहीं उसके ऊपर लगाया हुआ तो आप उसका आरसीएम में बुक करेंगे, बट अगर जीएसटी लगाया हुआ है, आप ट्रांसपोर्टर को जीएसटी पे कर दियो तो आप उसको आरसीएम में बुक नहीं करते हो। बट कुछ केसेस के अंदर कई कंफ्यूजन आ जाते हैं, जो कुछ सर्विसेज आरसीएम में है कि क्या वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी उसका टैक्स जो है वो लग रहा है या नहीं लग रहा, उसी को देखते हुए उन्होंने क्या किया है, इसकी इनवॉइस जो आरसीएम के अंदर जो भी इनवॉइस कटेंगे अगर ये जीटी के रिलेटिंग है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि एक इनवॉइस के अंदर भी चेंजेस किए वाया नोटिफिकेशन नंबर 5/2022। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, एनेक्सर 3 दिया है, डिक्लेरेशन we have taken a registration under the CGST Act 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the financial year under forward charge। अगर आप उन सर्विसेज को, आपको पता है जीटी जो है आरसीएम में भी है, अगर आप जीटी को कोई भी इनवॉइस काट के आप उसको भेजेंगे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, आप उसका टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो आप साथ में एक डिक्लेरेशन भी देंगे। वही जो मैंने अभी तक बोला, अभी तक क्या होता है जीटी का अगर कोई ट्रांसपोर्टर का आपके पास बिल आता है तो आप ट्रांसपोर्टर का जब बिल देखेंगे उसके नीचे देखोगे कई बार क्या होता है उसमें कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया होता, तो आप जब ट्रांसपोर्टर का बिल बुक करेंगे तो आप उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करेंगे, ठीक है, 5% पे करोगे या 2.5% या +2.5% करेंगे। तो जब देखते हो कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर ने उसके नीचे 12% टैक्स जो है वो चार्ज करके दिया होता है, अगर उसने 12% टैक्स चार्ज करके दिया हुआ है डेट मीन्स आप उसका टैक्स जो है वो फॉरवर्ड चार्ज में ट्रांसपोर्टर जो है वो पे कर रहा है, आप उसका आरसीएम में बुक नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि ऐसे इनवॉइसेस को लेके कई सारी कंफ्यूजन आती है, तो उस कंफ्यूजन को उन्होंने, उस एम्बिगिटी को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको ट्रांसपोर्टर को बोल दिया कि अगर जीटीए वाला फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आता है तो वो नीचे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देगा कि वो इस साल के अंदर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है। दैट मीन्स जब भी उसका ट्रांसपोर्टर का बिल जो है वो जाएगा, पार्टी के पास जाएगा, तो वो देखेगा कि फॉरवर्ड चार्ज में तो वो ट्रांसपोर्टर को ही जीएसटी की पेमेंट करेंगे, आरसीएम के अंदर उसकी जीएसटी की पेमेंट को बुक नहीं करेंगे। एंड दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। तो जीटीए के साथ रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास समराइज करते हैं तो इन्होंने थोड़े से जो चेंजेस किए, 3 चेंजेस क्या इन्होंने कर दिए। एक तो जो एग्जम्पशन थी जीटीए के ऊपर, जो एग्जम्पशन थी कि 1500 रुपया अगर सिंगल कंसाइनमेंट का और अगर सिंगल कंसाइनमेंट तो 750 रुपीज तक की है, तो उसके ऊपर जो पहले एग्जम्पशन थे उस एग्जम्पशन को नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने खत्म कर दिया। नेक्स्ट, जीटीए जो है अगर आरसीएम के अंदर है तो उसका रेट सेम रहेगा, वही 5% ही है, लेकिन अगर वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है तो उसके अंदर भी उन्होंने 2 रेट्स दे दिए। पहले एक ही रेट था अपने पास, अब उन्होंने 2 रेट दे दिए, 5% एंड 12%, 5% और 12%। 5% दे दिया अगर आप आईटीसी नहीं क्लेम करना चाहते हो और 12% अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो। लेकिन अगर आप 12% लेते हैं तो उसके साथ उन्होंने बोल दिया कि आपको डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी कि आप कौन सा रेट ले रहे हो, और डिक्लेरेशन उसके लिए नेक्स्ट वीक के अंदर, और पूरा साल आपको वही वाला रेट जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट उन्होंने दे दिया कि अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में आते हो तो उसके लिए भी उन्होंने दिया कि आपको डिक्लेरेशन जो है वो देनी पड़ेगी इनवॉइस के अंदर। तो जीएसटी के इनवॉइस का उन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया कि जीएसटी के इनवॉइस के अंदर जैसे ही आप जीएसटी अगर चार्ज करोगे तो नीचे आप डिक्लेरेशन भी दोगे कि आप इस बार इस ईयर के लिए फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। होप्स हो कि जो भी जीटीए में डील करनी है, ऑलमोस्ट हर कोई कहीं ना कहीं जीटीए के अंदर डील करता ही है, ठीक है। तो अगर आप जीटीए के, आपके पास जीटीए के क्लाइंट्स हैं या फिर आप जीटीए में डील कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है, तो इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी जीटीए में चेंजेस हुई हैं, तो उसको प्रैक्टिकली आपको ऑप्ट करना है। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar. Till then, keep following CA Satuti Mahajan, CA Sansaar. Thank you.